पॉइंट, जैसा आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स के इतने डॉक्यूमेंट्स में गलतियाँ। हमने बहुत बड़े सर्वे के बाद में पता लगाया है काफ़ी स्टूडेंट्सों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं किस तरीके की उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए गलतियाँ होने वाली हैं। तो ये चीज़ मैं आपको देखिए स्पेशल बताने वाला हूँ, क्योंकि इस चीज़ के दौरान ही स्टूडेंट्सों को प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जितने भी कमेंट्स किए हैं उन्होंने उसके अकॉर्डिंग पता लगाया है कि इस तरह की गलती मैक्सिमम स्टूडेंट्सों के डॉक्यूमेंट्स में मिल रही है। तो क्या उन स्टूडेंट्सों को यहाँ पे डीबी के दौरान क्वालिफाई किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, आयोग उनके बारे में क्या फैसला लेगा, इसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है सारे स्टूडेंट्सों की हेल्प के लिए हम नए नए वीडियोज़ बनाते आए हैं और आगे भी बनाते रहेंगे, क्योंकि हेल्प हो जाए स्टूडेंट्सों की, उनका सिलेक्शन हो जाए, उनकी ज्वाइनिंग मिल जाए, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बस एक बार ज्वाइनिंग मिलने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कहते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कोई भी गलती की वजह से ना रुक पाए, ठीक है। तो इसीलिए आप सबको बताने वाले हैं, अगर आपके भी कुछ गलतियां हैं डॉक्यूमेंट्स में तो आप बताइए, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको पता है, वो खुद ही सही कर लेंगे और जानकारी भी है उनको डॉक्यूमेंट्स की। लेकिन काफ़ी नए स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और उनको पता नहीं रहता, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स जो नए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए जो डॉक्यूमेंट्स में गलतियाँ थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अब आपको पता होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट एक दो दिन या फिर इस वीक में आने वाली है, ठीक है। तो जैसे ही आएगी हम आपको बता देंगे। कोई भी कैंडिडेट चैनल पर नया है, वीडियोस देख रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी अपडेट उनके लिए भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा इससे रिगार्डिंग वो तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जैसा प्यारे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ कमेंट किए थे कल की वीडियो में, उसके मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद में जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स में गलतियाँ हैं उसके बारे में बताऊँगा। यहाँ पे एक गरिमा कुमारी नाम की लड़की ने कमेंट किया था, देखिए, सर मेरा ANM सर्टिफिकेट आयुष पैरा मेडिकल दिल्ली से रजिस्टर है, मान्य होगा या नहीं प्लीज़ बताएं। तो देखिए इस तरीके से कमेंट करते हैं, तो उनका रेस्पॉन्स भी मैं कमेंट में ही दे देता हूँ, लेकिन कोई कोई कमेंट ऐसी होती है जिसका नहीं दे पाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले जो आयुष पैरामेडिकल जो होता है उसके लिए अलग वैकेंसी निकाली जाती हैं, दूसरी बात जो दिल्ली से जो सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, तो वो हर स्टेट में वैलिड होता है, हर स्टेट में माना जाता है, ठीक है। INC के द्वारा जो भी रजिस्टर्ड होता है वो हर स्टेट में माना जाता है, लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है कि ये आयुष से है तो आयुष के लिए वैकेंसी अलग से निकाली जाती हैं, ठीक है, थीके? तो यहाँ पे इससे पता लग गया होगा। दूसरी बात, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बहुत जो उनको हेल्प मिलती है हमारी वीडियोस से तो वो बहुत खुश होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, समस्याएं रहती हैं, क्वेरीज रहती हैं वो क्लियर हो जाती हैं, तो उससे उनका रेस्पॉन्स भी आता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी बात देखिए यहाँ पर, सर इसमें जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनके DB में कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्या, या फिर चैरेक्टर जो है सर्टिफिकेट चाहिएगा। देखिए जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, एक्सपीरियंस नहीं है तो उनके पास मार्क नहीं जुड़ेंगे, प्रॉब्लम कोई या नहीं आने वाली उनके लिए, बस उनके मार्क एक्स्ट्रा नहीं जुड़ेंगे। जिनके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कितने साल का एक्सपीरियंस है वहाँ उनके मार्क्स जुड़ेंगे, बस ये समस्या रहेगी, समस्या कोई नहीं रहने वाली, बस ये जो है क्राइटेरिया रहेगा कि एक्सपीरियंस वालों के नंबर जुड़ेंगे वहाँ पर, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनका नंबर वहाँ पर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और प्राइवेट हॉस्पिटल वालों का जहाँ एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, ये संविदा वालों का ही एक्सपीरियंस माना जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए जो प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही थी वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में आ रही थी, प्रॉब्लम्स जो ज़्यादा आ रही थी वो कौन कौन से स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम आ रही थी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी एक तो कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज थे कि कास्ट सर्टिफिकेट किस साइड से चाहिएगा। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा आपको फादर साइड से चाहिएगा, फादर कौन सी कास्ट के हैं उससे बस वैलिड जो है प्रूफ किया जाएगा कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे मांगा गया, क्योंकि कास्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी कैटेगरी डिसाइड होती है और कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको आरक्षण मिलेगा, ये बात क्लियर हो गई होगी। क्योंकि देखिए और दूसरी बात यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस के बारे में मैंने अदर स्टेट वालों के लिए भी बता दिया था, जो भी अदर स्टेट वाले हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, उनको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। और रजिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन की बात देखिए, अगर जिनके पास रजिस्ट्रेशन UP का नहीं है तो उसके लिए वो टाइम देता है आयोग फैसला ले लेगा आपके लिए, जितना टाइम आपको रजिस्ट्रेशन चेंज कराने में लगता है उतना टाइम आयोग के द्वारा आपको मिल जाएगा, क्योंकि UPSC और UP SSSC के द्वारा टाइम मिलता है उन कैंडिडेटों को जिनके पास UP का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, क्योंकि 5% के अकॉर्डिंग कितने परसेंट छूट जो मिलती है अदर स्टेट के अकॉर्डिंग अदर स्टेट वाले कैंडिडेटों को लिया जाता है, उनके लिए बाद में अच्छे उनको जनरल में मानते हुए
5% 10% के अकॉर्डिंग जितनी भी जो है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग छूट मिलती है, उस परसेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन जो होता है उसके अकॉर्डिंग उनको वहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है, और उनके जो क्राइटेरिया होते हैं उनको कंप्लीट कराने के लिए वो थोड़ा सा समय देते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? कोई भी क्वेरी है इस क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, अब मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं कि उन्होंने डबल डबल डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हैं। जैसे जो आपने फॉर्म में लगाया था, जैसे जब फॉर्म भरा था आपने, उससे पहले के जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादातर चांसों में वही डॉक्यूमेंट्स आपके माने जाएंगे। ठीक है, कौन से वाले? जो आपके फॉर्म भरने से पहले आपने लगाए थे वो डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पे माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, अब आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद में नए बनवाओगे तो उनको वहाँ पे मानने के चांस कम रहेंगे। लेकिन आपसे मैं ये बताऊँगा, इस तरह की छोटी मोटी गलतियाँ हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में तो वो आप दोनों डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, लेकिन जो आपने फॉर्म में लगाया था वो ज़रूर ले जाना है आपको, नया भी उनको दिखा देना है, क्योंकि क्या पता आयोग ये फैसला ले सकता है कि ये बहुत पुराने थे और आपके नए मान्य भी हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है, मैं आपको कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन इस चीज़ का फैसला आयोग ही लेगा, क्योंकि जितनी भी वैकेंसियाँ आई हैं उनके अकॉर्डिंग जो फॉर्म से पहले लगाए हुए होते हैं वही मान्य होते हैं, फॉर्म के बाद में जो है बनवाए हुए होते हैं वो मान्य नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, अगर आपने नए भी बनवा लिए हैं तो उनको आप साथ ले जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, और वहाँ पे आप अपने जो है क्वेश्चन करिए उनसे कि सर हमने नया बनवा लिया है, और ये चीज़ आप देख सकते हैं एफिडेविट के साथ में। ऐसा नहीं कि आप खुद ही बोल रहे हैं और खुद ही मानेंगे, उनके लिए क्या चाहिए? एफिडेविट, श्योरिटी चाहिए कि उससे वो मान सकते हैं, क्योंकि आयोग और यो जो सभी कर्मचारी होती हैं वो जो एफिडेविट के दौरान हर एक सरकारी काम को जो है करने का तरीके से उसको किया जा सकता है, और वो है एफिडेविट के द्वारा। एफिडेविट जैसे ही आप लगाओ किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम्स है उसके दौरान लगाइए, क्योंकि एफिडेविट से आपके जो सही होने के चांस होते हैं वो 80% बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे देखिए, डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारी गलतियाँ हैं, जो मैंने मैंने गलतियाँ हैं, जैसे आपने फॉर्म में भर दिया है कि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक है, उसमें यस कर दिया है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको पता चलेगा कि आप नहीं हैं तो उसमें आयोग क्या फैसला लेगा वो आप देखिए, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, जहाँ तक है, क्योंकि आयोग ने ये पहले ही बात बोल दिया है कि अगर आप कोई भी जो है जानकारी उसमें लिखते हैं और उसमें इनवैलिड पाए जाते हैं तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये भी बहुत बड़ी जो है डीवी के दौरान बड़ा रूप ले लेती हैं, उससे काफ़ी स्टूडेंट्सों को प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि मेन प्रॉब्लम्स उन कैंडिडेट्स के लिए है जो नए हैं, जो ऐसे स्टूडेंट्स उनके लिए प्रॉब्लम्स होती है जो पहली भर्ती है, दो तीन दूसरी भर्ती है, तीसरी भर्ती है, और काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो बहुत सारी भर्तियां हैं, एग्ज़ाम दे रखे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है उन्होंने, लेकिन उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, उनको एक्सपीरियंस है। लेकिन नए बच्चों के लिए मैं स्पेशल बता रहा हूँ ये कि वो गलतियाँ ना करें ऐसी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है तैयार रख लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने आपको बता दिया है और आयोग के द्वारा भी सूचना जारी कर दी गई है कि आपका जो है जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आने वाली है वो जल्दी आने वाली है। ठीक है, तो जल्दी आने वाली है, जैसे ही आएगी हम आपको बता देंगे, और डॉक्यूमेंट्स में जो क्वेरीज हैं आप जो बता दीजिए, हम आपको उन सभी क्वेरीज के बारे में बता देंगे। ठीक है, जहाँ तक हमारा मानना है और उसके अकॉर्डिंग आयोग की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कुछ नया नहीं बताएंगे जिससे आपको भी प्रॉब्लम्स हो और हमें नहीं पता, जिसके अकॉर्डिंग बस ये कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बड़े ही अच्छे तरीके से हो जाए, क्लियर हो जाए, और फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाए, उसके बाद में ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाए। ठीक है, वहाँ तक आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही बताएंगे, और जो भी कोई क्वेरी है आप बता दीजिए, वो सब आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेके आएंगे आपके लिए, या फिर रिजल्ट के बारे में, सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में लेके आएंगे, या फिर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग, कमेंट्स के अकॉर्डिंग, जो ज़्यादा कमेंट्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।